मध्य प्रदेश में सूखे के हालात गहराते जा रहे हैं और यही कारण है कि किसानों की परेशानी भी बढ़ती जा रही है। प्रदेश में सूखे की समस्या को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लगातार किसानों से मिल रहे हैं और बड़ी बड़ी बैठकें भी कर रहे हैं। तो वहीं वर्षा की कामना को लेकर आज महाकाल मंदिर में विशेष अनुष्ठान भी शुरू हो रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद उज्जैन पहुंच रहे हैं, जहां वो महाकाल के दर्शन करेंगे और प्रदेश में वर्षा के लिए बाबा महाकाल की विशेष पूजा अर्चना भी करेंगे। मध्य प्रदेश में इस साल मॉनसून में 16% की कमी दर्ज की गई है, यानी कि 16% बारिश कम हुई है, जिससे सारे डैम अभी भी फुल नहीं हो पाए हैं और यही कारण है कि सूखे की समस्या है, जबकि मॉनसून अब आखिरी चरण में है। सूखे की चपेट में मध्य प्रदेश है और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के किसान और मुख्यमंत्री तक परेशान हैं। मध्य प्रदेश में इस साल 16% कम बारिश हुई है। 1 जून से 31 अगस्त तक औसतन 26.06 इंच बारिश दर्ज की गई। अब तक 31.16 इंच बारिश होनी चाहिए थी, जो कम है। मध्य प्रदेश में 24 जून को मानसून प्रवेश हुआ था। शुरुआत में कुछ दिन अच्छी बारिश हुई, लेकिन जुलाई और अगस्त का जैसे ही महीना आया तो बारिश भी सामान्य से कम हो गई और किसानों की परेशानी और बढ़ गई, और इसीलिए मुख्यमंत्री भी बैठकें कर रहे हैं। प्रार्थना भी मैं करूंगा और प्रदेशवासियों से भी, मैंने कहा मैं भी कल जा रहा हूं महाकाल, पूजा भी करूंगा, मैं प्रार्थना में भी ताकत होगी, हम वो भी करेंगे, वो भी छोड़ेंगे, भगवान से भी प्रार्थना करेंगे, लेकिन इंसान जो कुछ कर सकता है हम करेंगे। अब एक एक करके इन स्थितियों पर हम विचार करें और विचार करके निष्कर्ष पे हम पहुंचते जाएंगे आगे हमको क्या कदम उठाने चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि हाथ पे हाथ रख के बैठा हूँ कि बारिश की वरी में क्या करूँ। मैं तो जमीन आसमान सब एक कर दूंगा, जितनी मेरी हैसियत है, अपनी सरकार की ताकत है, प्रशासन की ताकत है, सब ढूंढूंगा मैं बैठने वाला हूँ भी। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।